नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी ऐ नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी तू ही शफात की माँ ए रह तु लालम ऐ नी

देख ले मुझको जरा तेरे दर पे हूँ खड़ा तेरे इश्क में रहूँ रात दिन मेरी तो है बस ये दुआ ए नबी नबी ए नबी ए पे आए जो दामन को भर ले जाए वो तेरे दर पे आए जो दामन को भर ले जाए वो उन जालियों की शान क्या एक नज़र हम पर भी हो नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी तू ही शफात की अमा ए रहमतुल आलमी नबी ए नबी सैयद सबात अली हदीना पेश फरमा रहे थे माशाल्लाह काफी तादाद फजला क्राम की तशरीफ ला चुकी है लेकिन बाहर रहने वाले अभी भी इनसे ज्यादा हैं तो आप तमाम हजरा की खिदमत में गुजारिश की जा रही है कि जल्द से जल्द तशरीफ ले आएं पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा अगर हमारा प्रोग्राम लेट होता है जल्द से जल्द तशरीफ ले आएं ताकि जो शेड्यूल एक तयशुदा है उसके मुताबिक आज के दिन के दूसरे सेशन को बाकायदा शुरू किया जा सके आधा घंटा दिया गया है ठीक है और मुझे भी नींद आ रही है जैसे आपको आ रही है ठीक है अब करना यह है कि मैं भी सो जाता हूं और आप भी सो जाएं, ठीक और मैं ख्वाब में तकीर करता हूं और आप ख्वाब में तकीर सुन लें वो तो मेरा ख्याल दो या तीन मिनट में मेरा आधा घंटे की तकी आप सुन लेंगे सही है ना कर ली ये नहीं करें चले थोड़ी सी एक्सरसाइज करें आ खड़े हो जाए खड़े हो जाए ठीक है ना ठीक है ना आपकी नींद दूर करने का आसान तरीका ये एक है दोनों हाथ एक है ये दो है और ये तीन है यानी सीधा हाथ ऐसा रहेगा ठीक है बस इसी पे और मैं चंद करूंगा जो फॉलो नहीं करेंगे वो खुद ब खुद बैठ जाएंगे और आप दाएं बाएं नजर रखिएगा ताकि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है ठीक है एक दो एक एक दो एक तीन कई लोगों को बैठ जाना चाहिए देख आप गलत हैं जनाब हाँ एक दो एक दो तीन आप गलत हैं ठीक है चले बैठ जाए मतलब एक मसला ये होता है कि इंसान गलती करते हुए भी अपने आप को गलत नहीं समझता ये एक्सरसाइज थी ना गलती करते हुए भी अपने आप को गलत नहीं समझता ठीक है अब आपको ये वैसे तो और तरीका था लेकिन मैं सब याद यानी करा रहा हूं हम पहियों पे थे ना छह पहियो पे से तीन पहिए हमने कर लिए थे तीन पहियो पे सिर्फ रक्षा चलता है गाड़ी नहीं चलती ये चार्ट आपको याद रहेगा पांच छे तीस कॉलम ये भी आपको याद रहेगा ठीक है ये ये रवैये पे हमने बात खत्म की थी और अब हम आ रहे हैं आदात पे ठीक है चौथा व्हील है हमारी आदात का और ये जो है तनजीम जात के लिए तनजीम वक्त के लिए इम्पोर्टेंट है जहां जरूरी होगा मैं आपको इस पर सलाद वगैरह लगा दूंगा अदरवाइज रूखा खा लीजिएगा ओके आप तो पेट भर के आए हैं ना अभी तो ठीक है ना हमेशा भी रोजाना सुबह उठें नसबुल को सामने रखें मकासद का तयन आपके जहन में होना चाहिए बंदी और शेडुल होनी चाहिए देखें जंग बदर के मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने एक चीज़ बताई थी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैदान बदर में नबी कम्सलम अपनी शहादत की उंगली से लकीरें खींच रहे थे याने प्रिपरेशन एंड प्लानिंग बिफोर एक्शन नबी याकम्सलम गांठ बांध लेते थे किसी चीज को याद रखने के लिए ठीक है तो मनसूबाबंदी और शेडुल इन मकासद इरादों को और इरादों और करने के कामों को तहरीर करें टू डू लिस्ट अब तो मोबाइल पे बन जाती है टू डू लिस्ट अप्लीकेशन हैं वरना कम अज कम जेब में थ्री बाई फाइव के कार्ड्स रखें और नोट कर लें कि मुझे यह काम करना है टाइम टेबल बनाएं और उस पर कायम रहने की कोशिश करें हर काम शुरू करने से पहले मनसूबा बंदी करने की आदत यानि पांच सवाल क्या क्यों कैसे कब कहा क्या है क्या क्यों कैसे कब और कहां ये लॉजिक के पांच सवाल हैं अपने आप से पूछ लें तो आपका फिफ्टी परसेंट मसला जो है ना वो कागज पर आ जाएगा रोजाना काम करने की फहरिस्त बनाइए इसके बगैर आपका दिन या काम शुरू न हो बेहतर है कि गुजश्ता शाम को आप प्लानिंग कर चुके हो अगले दिन की जिंदगी के हर मामले में अपने योमिया कामों के मामले में तरजीहत मुतयन करने की आदत डालें ए ए ए बी 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 सी 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 और फिर ए में ए वन ए टू ए थ्री यानि इलाकाई तौर से देखने के लिए अगर मुझे एक काम जो है गुलशन म्यांमार में, में है एक मेरी वेदर टावर पर है एक लांडी में है और दूसरा जो है वो गुलशन म्यांमार में, में, में चौथा जो है टावर पर है तो उसकी तरतीब आपको ऐसी होनी चाहिए कि आपका टाइम आमदोरफ में जाय ना हो जो काम शुरू करें इसे खत्म भी करें काम कर करने और काम को समेटने की आदत डालें यह काम आप अपने घरेलू खातन से सीखने की कोशिश करें जो किचन में वो करती हैं आप तो वह का लतीफे और कसीफे बहुत चल रहे होते हैं लेकिन एक बहुत बड़ी आदत यह है कि वो अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से निपटा देती हैं, पैक कर लेती हैं। किचन का हाल आपने देखा होगा काम को ऐसन तरीके से और मुक्र वक्त में करने की आदत डालिए डेडलाइन लाइन कीजिए और वक्त को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने और इसे रिकॉर्ड करने की और जायजा लेने की आदत डालिए कम से कम तीन हफ्ते तक आप अपने वक्त का रिकॉर्ड करेंगे तो आप जायजा ले सकेंगे कि आपका वक्त जो है किन कामों में ज़ाय हो रहा है सुबह जल्दी उठिए रात को जल्दी सोइए सुबह उठने के बाद फजर की नमाज के बाद जो है ना ओवर टाइम नहीं कीजिए नींद का हमारे यहाँ नींद का ओवर टाइम और बोनस होता है ना फजर की नमाज के बाद वो ना करें आप मुताला करने और नोट्स बनाने की आदत डालें जो लोग खुदबा देते हैं उनके लिए लाजिम है कि वो अपने मुताले के दौरान कार्ड्स पे नोट्स बनाएं उन कार्ड्स पे तकीर करें और फिर इन कार्ड्स को घर पे आकर एक बड़े कागज पे चिपका लें तो इन शाह दस साल के बाद आप एक किताब लिख लेंगे ठीक है मताला करें नोट्स बनाए तखीर करें क्या क्यों कैसे कब वाली आप एक हजार लोग अगर मस्जिद में हैं और आप आधा घंटा कर रहे हैं इसका मतलब पांच सौ घंटे का अल्लाह देना है इन की इस्तेमाल के लिए तैयारी की है अपने पीक टाइम हर इंसान की जिंदगी में एक पीक टाइम होता है तीन घंटे का बाद लोगों का सुबह चार बजे होता है बाद लोगों का दस बजे बाद तीन बजे ठीक है और बाद लोगों का यह है कि जब तक दोपहर नहीं होती सूरज सर पे नहीं आता उस वक्त इनकी आंखें नहीं खुलती मतलब जाग रहे होते हैं लेकिन दिमाग स्टार्ट नहीं होता तो अपना पीक टाइम मालूम करें कि आपका वक्त निशात या तीन घंटे वो कौन से हैं लोगों की बात सुकून के साथ सुनने की आदत डालिए हम लोग सुनते इसलिए है कि जवाब देना होता है सुनते इसलिए नहीं है कि सीखना होता है तो इस आदत को तब्दील करें फैसला करने उस पर अमल दरामद करने की आदत डालिए इंतज़ार और फारि अवकात को इस्तेमाल करने की कोशिश करें हम तो काम के वक्त भी इस प्रोग्राम में भी कई लोग मोबाइल पे खेल रहे होंगे ना अभी मोबाइल पे बात कर रहे होंगे नहीं अगर आप हैं तो मोबाइल के जो मोबाइल में डेटा चीज़ें जमा है उसको पढ़ें वरना बुक ले जाए अपने साथ वरना अपने जेब में कार्ड रखें खुदबा देना है उसकी तैयारी आप डॉक्टर के यहाँ है नाई के यहाँ हैं क्लिनिक पर हैं बस स्टॉप पर हैं करने की कोशिश करें मामूलात और मामला में लचक रखने की कोशिश करें बहुत ज्यादा सख्त न हो जाए ऐसा ना हो कि आपका नाम ही घड़ी फोबिया हो गया है ऐसा नहीं होना चाहिए मुस्कुराने की आदत डालिए इसके लिए सिर्फ इरादे की जरूरत है वरना आप बड़े बोर इंसान हो जाएंगे ना तो बोर होना नहीं चाहिए आपकी मुस्कुराहट जो है वो बहुत सारे बिजनेस डील कर सकती है खरीदारी की मनसूबा बंदी करें जरूरत को पेश नजर रखकर और तरतीब बनाकर खरीदारी के लिए जाइए ये नहीं है कि माल बिक रहा है तो आपने जो है चले यार कुर्बानी का बकरा आधी कीमत में बिक रहा है तो दस बकरे खरीद लो आइंदा दस साल तक के लिए ऐसा ना करें इसी अंदाज से घर में भी सामान की खरीदारी वो ना करें हर चीज के लिए एक जगह और हर चीज अपनी जगह पर रखने की आदत डाली है यह बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए एक जगह और हर चीज अपनी जगह पर जूतों की एक जगह मौजों की एक जगह रुमाल की एक जगह पेन की एक जगह काट की एक जगह चश्मों की एक जगह जैसे घर के अंदर किचन के अंदर मिर्च अलग होती है मसाले अलग होते हैं सब एक जात मिक्स तो नहीं किए जाते ना वरना घर के अंदर तो जंगे अजीम शुरू हो जाएगी जंगे अजीम पंजुम तो आप नहीं करते ना तो आप उनसे कुछ सीखे ना यार ठीक है तो वो फिफ्थ बार की बात हो रही है तो पंजुम में कह रहा हूं आ, हर चीज के लिए एक जगह और हर चीज अपनी जगह बांध लें इसको जैन के अंदर ठीक है टीवी इंटरनेट ईमेल के इस्तेमाल में तोन पैदा कीजिए उसकी बीमारी से निकल जाइए आप आप लोग बीमार बन गए दिन में छे घंटे पांच पांच घंटे आप आपको जो है ना वो न्यूसेंस क्रिएट हो गया है व्हाट्सएप का तो उसके लिए आपको किसी डॉक्टर की जरूरत होगी आप शायद एक नई शाख दरियाफ्त हो व्हाट्सएप डॉक्टर जो आपका नफसियाती इलाज करेंगे व्हाट्सएप पर ठीक है ना घर के अंदर भी झगड़े होते जाएंगे फर्स्ट वाइफ सेकेंड वाइफ ठीक है सोशल मीडिया का नशा तर्क कर दीजिए एक सवाल अपने आप से करते रहें कि क्या यह काम या मसरूफियत मेरे वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल है ठीक है ये चीज लोग लिख रहे हैं बड़ी खुशी हो रही है कुछ तो लिख रहे हैं ना आप तसाह काहली और सुस्ती से बचने की कोशिश करें जैसे अभी आपकी हो रही है ना इसके लिए दुआ भी कीजिए और इलाज भी करवाइए बाज़ोकात बाज आपके जिसम से कोई मिनरल की कमी होती है इसलिए आपको सुस्ती होती है तो प्लीज आप इसको करें किचन की तरह अपनी मेज की भी सफाई करें जो चीजें जरूरी और अहम है वही आपके पास या सामने होनी चाहिए गैर जरूरी चीजों को दफन करें बेच दें निकाल दें अफराद के साथ काम करने और काम लेने की सलाहियत पैदा कीजिए मुन्जम और स्मार्ट तरीके से मेहनत कीजिए सही वक्त पर सही काम करें और दौरे हाजिर के जो इफादत हैं मोबाइल फोन है कंप्यूटर है उसका रेगुलरली बैकअप लिया करें अगर आपने बैकअप ले लिया नहीं लिया तो फिर आप ऐलान करते फिरेंगे कि बर करम मुझे अपना फोन नंबर भेजिए इस नंबर पे। तो आप वैसे ही डिसऑर्गेनाइज नजर आएंगे कि यार ये मेंबर पर तकरीर करता है देखो इसका अपने आप को नहीं संभाल सका ठीक है ना एक खौफे खुदा है एक खौफे माशरा भी तो है ना पासवर्ड कोड्स वगैरह को भी तहरीर करके कर रखें लिफाफे को सील कर रखें घर के अंदर होना चाहिए कि खुदा ना खासा जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है मालियाती मामला की मनसूबाबंदी करें और बजट बनाए घर में किसी एक जगह को मरकजी मकाम इतलात व मालूम बनाए जैसे हमारे घर में फ्रिज पर रखा हुआ है मैग्नेटिक साल कोई भी चीज लगानी है बिल अदा करना है वहां लगा दिया काम खत्म और सामान गायब करने की आदत डालें ग्रुप्स और सब्सक्रिप्शन से जरा निकल जाया करें इसलिए कि कितने लोगों को आप जवाब देते रहेंगे व्हाट्सएप पर यार जिसको जो मर्जी आता है अपने घर की कोई चीज है उठाकर आपके घर में डाल लें व्हाट्सएप यही है ना यहां से यहाँ यहां से यहां घर में इमरजेंसी फोन नंबर्स की फहरिस्त रखें प्रिंटेड हाथ से लिख कर या फोटो कॉपी करके और इसी अंदाज से खरीदारी की भी जो फेरिस्त है ना आलू प्याज धनिया मिर्च कद्दू वो भी लिख लिया करें प्रिंट करके रखें घर के अंदर हफ्ते में एक बार जाएं और कर लें ये आप एक जिसका देखें आदत डालें कि आपका टाइम कहाँ गुजर रहा है अपने जूतों को के तस्मे बांधने में आठ दिन और ट्रैफिक लाइट को चेंज होने में एक महीना ये साठ साल की उम्र का तजिया है आ, बार्बर शॉप ब्यूटी पार्लर का जिक्र नहीं है एक महीना डायलिंग टेलीफोन में मोबाइल इस्तेमाल नहीं हुए थे एक महीना लिफ्ट में सफर करना तीन महीने अपने दांतों को साफ करने में तीन महीने बसों के इंतजार में पांच महीने बाथरूम में छह महीने बाथरूम में छह महीने किताबों पढ़ने में दो साल खाने पीने में चार साल कमाने में नौ साल टेलीविजन देखने में दस साल और सोने में बीस साल ये एक सर्वे आया था ओके अब आप आइए आगे आप लोग इस तरीके से अपना टाइम बनाने की कोशिश करें कि मेरा हफ्ता इतवार से लेकर जुमे तक इबादत आराम जामिया खेलकूद खाना पीना मताल अमोमी तालीम माश, माशरत जो भी लिखना है वो बनाए तो सही ना कि कैसे गुजरते हैं हम लोग नहीं करते ये काम इसी अंदाज से पढ़ने का शेड्यूल इस तरीके से बनाए जो लोग नोट्स बना रहे हैं जो खास चीजें हैं वो नोट करें वरना हमने सुना है कि जामिया वाले इसकी पीडीएफ बनाकर आपको दे देंगे और इसके साथ लिखा हुआ होगा कि कॉपी राइट नहीं है राइट टू कॉपी है ठीक है ये आपके पास जो है ना ब्लॉक एक्टिविटी टाइम यानी आप एक्टिविटीज ब्लॉक बना लिए पांच से सात सात से नौ नौ से ग्यारह रात को दस से ग्यारह ये दस ब्लॉक्स आप बना लें इस तरीके से आप अपने ब्लॉक टाइम में दो दो तीन तीन घंटे के ब्लॉक बनाकर टाइम को खर्च करने की कोशिश करें यहां तक हम पहुंच गए अब हम आगे जा रहे हैं यह हम आ रहे हैं पांचवें व्हील पे सलाहियतें सलाहियतें किसी करने की किसी काम को करने की अहलियत आप मुझे उठाकर आपको गुस्सा आ जाए मेरी बात पे पेंट शर्ट पहना हुआ हूं गुस्सा आया जनरल साहब की बात आपने उठाकर मुझे तालाब में फेंक दिया यहां पर अगर मुझे तैरना नहीं आता तो मैं दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच सकूंगा कहीं और पहुंच जाऊंगा ठीक है ना तो आपको यह सलाहियत आनी चाहिए तैरने की जिंदगी में मुख्तलिफ कामों को करने की भी सलाहियत होनी चाहिए ओके तो अब आप आइए यहां पर मुशाहिदा करने और इससे नतज अक्स करने की सलाहियत पैदा कीजिए दूसरों के तजुर्बा से इस्तेफादा करने की कोशिश कीजिए हर दिल अजीजी का फन सीखिए उसके लिए मुस्कुराहट बहुत अहम है ताल्लुक अम्मा का फन सीखिए और अपना नेटवर्क तश्ल दीजिए गुफ्तु और नुक़ नजर पेश करने का सलीका सीखिये उसके लिए क्लासेज होनी चाहिए फोन और मोबाइल पर गुफ्तु का सलीका होना चाहिए मुमकिन काम करने की कोशिश कीजिए यानी अगर आप फोन अटेंड कर रहे हैं तो कागज आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन ड्राइविंग करते वक्त टेक्स्ट मैसेज करना चाह रहे हैं तो आप किसी और जगह पहुंचने की कोशिश करेंगे तो ड्राइविंग करते वक्त टेक्सट मैसेज नहीं क्या करें और उमूमन लोग करते हैं इमोशनल रिएक्शन वो नहीं करें टीम वर्क यानि लोगों के साथ काम करने का फन सीखें तफ्ज उमूर लोगों को काम डेलीगेट करने का फन सीखें फॉलो अप जिसी को काम दे दिया फिर रिगोरसली फॉलो अप करें इतना करें कि वो तंग आ जाए और आपके फोन को देख कर उसको आगे करके दफन करो ये फॉलो अप नहीं करेंगे तो ठीक है ये वैसे बड़ी खसूसियत हजरत शैतान के अंदर है ठीक है बहुत बड़ी खसूसियत है आपको बुराई के लिए कितना फॉलो अप करता है वो आप अंदाजा कर सकते हैं ठीक है ठीके? ना आपको पता है कि यहां पर एक गलत पोस्टर लगा हुआ है और आप जा रहे हैं फिर भी आपकी खुजली हो जाएगी और आप देख लेंगे ठीक है कामों में इस अंदाज से शरीक होना कि वो कंट्रीब्यूशन हो आपका हिस्सा हो जाए अफराद की तरबियत और इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए मेरे बात कौन संभालेगा का काम इसकी कोशिश करें लिखने की सलाहियत और तहरीर तो करने की सलाहियत कीजिए और तकीर का फन सीखिए और आजकल के दौर के अंदर आप दीन की तालीम चीजें इनोवेटिव तरीके से यूट्यूब पर भी आ सकते हैं तकीर और प्रेजेंटेशन का फन मश्क और तरबियत के जरिए सीखें तेज मुताले की आदत डालें और बंदी की सलाहियत पैदा करें मामला पर निगोसिएट करने की सलाहियत पैदा करें मसाइल को हल करने की सलाहियत पैदा करें ठीक है इंतजाम करने और इंतजामी मामला का फन भी सीखिए यानी कामों की टू डू लिस्ट बनाइए चेक लिस्ट बनाइए और ये चीजें आपको बहुत आसानी के साथ अब इंटरनेट पर मिल जाएंगी मीटिंग में शिरकत उसमें गुफ्तगु उसमें मिनट्स उसमे फॉलो अप उस पर बात करने का तरीका सीखें अपने कामों पे फोकस होने का करें अगर एक गोली से दो शिकार किए तो दोनों शिकार जय हो जाएंगे गोली भी जय हो जाएगी माजरत करने का फन सीखिए जो काम आपसे मकसद से लगा नहीं खाता उसके लिए माजरत करने की टेक्निक सीखें। मामला में म्यान रवि किफायत शारी और अतदाद और तोजन बरकरार रखने की कोशिश करें टेक्नोलॉजी टूल्स एंड टेक्निक्स अपनी डायरी इस्तेमाल करें इसलिए कि वो टूल है रोज के काम करने की और टू डुल बनाए कंप्यूटर का बेहतरीन इस्तेमाल सीखें इंटरनेट को बेहतरीन इस्तेमाल करने की सलाहियत सीखें इसलिए कि बहुत बड़ी नेमत है ये। ईमेल का बेहतर इस्तेमाल सीखें सोशल मीडिया को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें उसके लिए टाइम बंधा हुआ होना चाहिए गूगल टॉक स्काइप और व्हाट्सएप बेहतर इस्तेमाल करने की सलाहियत पैदा कीजिए दोरे हाजिर के ये ईजादात समंदर की मानंद हैं। जरूरत के मुताबिक पानी लीजिए अपने आप पर कंट्रोल कीजिए ताकि डूब न जाए अब आपकी जिंदगी मुनजम हो जाती है तो फिर दस मिनट है दस मिनट है ना हाँ दस मिनट मेरे मुताबिक भी ठीक है कामयाब फर्ज वो काम की जिम्मेदारी उठाता है यानी ऐसा जिम्मेदारी की अहम खसूसियत होती है वो मसले का तफसील से जायजा लेता है और बारीक बीनी से काम लेता है वो दूसरे कामयाब लोगों की इज्जत करता है उनसे सीखने की कोशिश करता है कब जब आप मुनजम बन जाए वो ये जानता है कि वो कौन से मामलाते हैं जिनके लिए पोजिशन लेनी चाहिए और कौन से जिसमें खामोश रहने चाहिए जिम्मेदारी को इससे ज्यादा महसूस करता है जितना फर्ज मनसबी है शिकस का इतना खौफ नहीं रखता जितना हारने का खौफ ज्यादा होता है वो जानता है कि वो अच्छा है मगर इस बात को भी तस्लीम करता है कि इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए घर में लोग कहते हैं न कि आप इतने अच्छे नहीं है जितनी आपकी माँ समझती है और इतने बुरे नहीं है जितनी बीवी समझती है ठीक है ना तो आप अपने आप को यह समझ लें कि इतने अच्छे नहीं है जितने लोग समझते हैं आपको इससे अच्छा होना चाहिए अपनी गलतियों का एतराफ़ करना और हजबे मौका माफी मांगना सीखें जो हमारे यहां बहुत कम है जबकि इमाम अहमद बिन हमल की किताब में मारिफ वाले कितनी बातें थीं अमलन दिखलाता है कि वो इस गलती को दूर करना चाह रहा है ठीक है नाकाम फर्ज से ज्यादा काम करता है अपनी रफ्तार का तयन करता है जायजा लेता है मंजिल से फासले को देखता है इसे उबूर करने की कोशिश करता है कहता है कि इस काम के लिए कोई बेहतर तरीका होना चाहिए खूब से खूब तर की तलाश होनी चाहिए ठीक है उसके अंदर ये खूबी होती है कि वो सामने वाले को ये देख रहा है सॉरी उसके अंदर ये खूबी होती है कि उसके नजदीक जो है वो नाइन कह रहा है वो सिक्स कह रहा है दोनों सही है नहीं ये भी सही है वो भी गलत नहीं है तो जो बात कह रहा है उसके नुकता नजर को समझने की कोशिश करें वो रफीक फरीक और फकीर के फर्क को जानता है उर्दू के चार हरूफ है रे फे ये काफ इसे एक रफीक बनता है एक फरीक बनता है आप अगर काम रफीक बन के करा लें तो बहुत आगे हैं लेकिन फरीक बन के इख्तलाफ करेंगे तो फिर तीसरे बन जाएंगे आप तो उसमें एहतियात कीजिए आप और जो जनरल साहब ने जो बातें बताई वो इस ये वाली थी ये जो दो बकरे हैं आमने सामने आ रहे थे नीचे दरिया था और दोनों एक दूसरे को आवाजें दे रहे थे मैं मे मै ठीक है और फिर क्या होता टकराते एक तो डूबा दूसरा भी डूबा हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे जैसे हमारी सियासत में हो रहा है इतने में एक बकरा कहता है कि मैं बैठ जाता हूँ, मेरे ऊपर से वॉक ओवर ले लो प्लीज घरेलू जिंदगी के अंदर इस वॉक ऑवर का काम करें इज्तिमाही जिंदगी में इस वॉक ऑवर का काम करें और दूसरे मामला में इस वॉक ओवर की जरूरत है प्लीज वो करें गैर मुनम शख्स पे हम नहीं कर रहे आगे बढ़ जाते हैं इसलिए कि टाइम खत्म हो जाएगा लेकिन आपको चुके ये मिल रही है इसलिए मसला नहीं है अब आखिरी जो चीज है वो एहतसाब वाला मामला था इनफरादी एहतसाब कीजिए रोजाना रात को सोने से कबल अपनी टू डू लू से कंपेयर कीजिए हासे बू कबला अंत तो हासी बू ए लोगो अपना एहतसाब कर लो कबल इसके कि तुम्हारा एहतसाब किया जाए हफ्तावार एहतसाब करें महाना एहतसाब करें से माही और सालाना एहतसाब करें अपने दोस्तों की वो महफिल बनाइए जिसमें आप महीने में एक बार बैठ के एक दूसरे को असेसमेंट और फीडबैक दें यह भी एहतसाब की सूरत है पहले दिन ही तबका एहतसाब करता था लेकिन अब अना के मसले इतने बने कि वो नहीं कर रहे होते हैं। फिर एहसास की अदालत में आप रात को सोने से पहले अपने आप से पूछें और अपनी विकालत करें अपने खिलाफ गवाही दें खुद भी अपने ऊपर जरा करें खुद ही सफाई पेश करें और खुद ही चीफ जस्टिस बनकर अपने खिलाफ फैसला दें और फिर तोबा के दरवाजे खुले हुए हैं उन्हें खटखटाना कोई मुश्किल नहीं है रात को अगर हम तशक् तोबा तकवा और तवक्कल के लिए अल्लाह से दुआ मांग लें तो आपके बड़े रास्ते आसान हो जाएंगे और जब खुद जज बनेंगे और कहेंगे कि बशीर तुझे ये नहीं करना चाहिए था और मैंने अगर आपके साथ ज्यादती की है तो मुझे फौरन आपको टेक्स्ट मैसेज कर देना चाहिए कि मैं अपनी हरकत पे आपसे माजरत खाऊं टेक्स्ट मैसेज ने तो बड़ी सहूलत दी है ये एहतसाब है मनी यो मआ मकबून ये हजरत हसन बसरी रहमत का ख्वाब है कि नबी नबीम ने इनको ये बताया कि मनीस तवा यो महू फुआ मकबून वो शख्स तबाह हो गया जिसके दो दिन कारकर्दगी के लिहाज से एक जैसे रहे यानी आप हर हफ्ते कोशिश करें कि अपना जायजा लें अगर आपका आज का दिन गुजरात दिन से बेहतर है तो आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं लेकिन अगर आज का दिन गुजरात दिन के बराबर है तो आप नाकामी की तरफ जा रहे हैं यह अमल के लिए चंदते हैं यानी तंजीम तोजुन तरतीब तरकीब ताउन तरबियत और तकवा ठीक है ये ते याद रखिए कितने हुए सात क्या क्यों कैसे कब ये चार जे ज़र जमीन जन जोर यह आपके अंदर इख्तलाफात और जंग पैदा करता है ठीक है वहीं रखें वही आकर जीता हूं सामने ये चार गीन को याद रखें वो आपको तबाह करने वाले हैं गुस्सा गफलत गिबत और गबन ये इतारों को बनाने का तरीका है कि हर एक अपनी हिस्से की ईंट लाकर रख दे याद है दो ईटे दो पत्थर कुछ याद है हा वो कंट्रीब्यूशन था ना और आप सब कुछ मेहनत कर ले और आप प्लान तो ऐसे बनाते हैं कि यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हो जाएगा लेकिन आपकी जिंदगी में ये रास्ते होते हैं पेचीदगियां होती हैं तो फिर आप कहते हैं कि अरफ तो रब भी बेफिशिलजाइम मैंने रब ने रब को अपने इरादों के टूटने में पाया है आप प्लान ऐसे करते हैं आपके लिए मुश्किल ऐसी होती हैं कामयाबी आप सामने देख रहे होते हैं लेकिन आप सामने नहीं पहुंचती आपको घूम के पहुंचना पड़ता है इसलिए कि हालात ऐसे होते हैं फिर तो इन न मालूसरे युसरा आ जाती है फिर हम ये तकिल्लाखरजों या याद आ जाती है जिनको ख्वाब देखने की आदत होती है उनको रात छोटी लगती है जिनको ख्वाब पूरे करने की आदत होती है इनको दिन छोटा लगता है हर शख्स से तने तनेोरिया लेकर शहर हस्ती में खरीदारे कफन आता है सब कुछ भी कर लेंगे क्या लेकर जाएंगे कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो दुनिया तुम में न रहे क्योंकि कश्ती जब तक पानी में रहती है खूब तैरती है लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाता है तो वो डूब जाती है वह हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं सिवाय धोखे के सामान के दिन में रिस्क तलाश करो रात को इसको तलाश करो जो रिस्क देता है लोगो इंतहाई कोशिश के साथ जन्नत के हरीस बनो और अपनी कोशिश पर जहन्नम से बचने की फिक्र करो क्योंकि जन्नत ऐसी चीज है जिसका चाहने वाला सो नहीं सकता और आग ऐसी चीज है जिससे भागने वाला सो नहीं सकता और अल्लाह को मनवाना कितना आसान है सिर्फ एहसास है निदामत एक सजदा और चश्मे तर ए खुदा कितना आसान है मनाना तुझको है ना खुदा के साथ कितना आसान है वो पिछली चीजों को याद भी नहीं रखता और दुआ है कि अल्लाह तो हमारे आज के दिन के पहले हिस्से को हमारे कामों की दुरुस्ती दरमिया हिस्से को बेबूदी और आखिरी हिस्से को कामरानी बना दे बलाग। दो मिनट बाकी हैं सवाल जवाब चलते फिरते कर लेंगे ना हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती और शादत की बात है कि इस वक्त हमारे दरमियान तुर्की से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान हज़रा भी मौजूद हैं और मौलाना नईम शाहिद साहब की दावत पर वो जाम तशरीफ़ लाए जाम का विजिट किया और इजतमागा में भी तशरीफ़ लाए इस पूरे नज़म से माशा बहुत मुतासर हुए और अपने तसरा का भी आप हज़रा के सामने इन शख्तसर वक्त में इजहार फरमाएंगे मैं दावत दूंगा मोहतर मेहमान जिनाब मोहम्मद अली कुछ साहब को जो पाकिस्तान में कंट्री डायरेक्टर हैं रिसाला नूर के और तुर्की में जो कोशिशें की गई हैं इस्लामाइजेशन की बदी उजमान सईद नूरसी साहब की जानब से उस पूरे सिलसिले को दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में लेकर चल रहे हैं और मुसलमानों को अपनी तारीख से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में भी इनका पूरा एक नेटवर्क है ये उसके कंट्री डायरेक्टर हैं मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने ख्याल का इज़हार फरमाएँ फ़रमाएँसाज़माइन रहमतुल्लाहि व बरकातहू हकीकतन ला मैं यह मजालस मजलिस देख कर बोश बहुत खुशी हुई अलहद ला जामरशी हकीकता एक मुमताज़ जामिया है मैं तीन साल में यहाँ हूँ बहुत सारे दफा आने वाला मेहमानों के भी यहाँ विज़िट करवाता हूँ यहाँ आने वाला मेहमान भी यह से बहुत खुश हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अलहदुल्ला हकीकत उसकी कि तुर्की से मुहब्बत मैं जानता हूँ कभी कभी मिलता हूँ, मैं कहा कि मुझसे जी भी महब्बत है उसद नाशा साहब भी हम तुर्की में दावत दिया था वो आया था वो इस्तना साहब भी अलहमदिल्ला हमें दावत दिया यहाँ के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ईशाला हम मैं भी तकरीबन तीन चार साल के पाकिस्तान में हूँ तीन साल के कराची में हों यहाँ बैदुल तुर्की की अरालीम बैदुलजमान शायद नुरसी है उसकी लिखा हुआ किताब रिसाले नूर है उसके यहाँ नशर करना और फैलना के लिए हम यहाँ आया मैं असल यूनिवर्सिटी तर से फ़ारक हूँ लेकिन इस काम के लिए हम कहा कि अल्लाह रजा के लिए थोड़ा कुछ करना चाहिए यूनिवर्सता के काम दूसरा काम हर वक्त हो सकता है लेकिन लोगों के इमाम बचना सबसे अहम मसल है क्योंकि इस दुनिया के आना के मकसद अल्लाह की पहचान है हकीकी तौर पर पहचान है आजकल खून उस वक्त मत शुरू तुर्किश के शुरू में इलाहा बहुत फैल गया था तुर्की में पूरा लोग अक्सर Üniversite vela Allah-u Teala ki inkar kır rahatı. Uski mukabil bedu zaman ilmi cihat şuru kiye. Or atayi sal cil or cile vatan mi zindigi güzer kır. Ya risale-i nur ki tefsirlika he. Risale-i nur ki ya hususiyet he ki is asır ki din ki mukabil, imani mesail ki mukabil kitne sualat he kitnə isqalat ateihə əhli dalalet ki tərəfsə, əhli bidəa ki tərəfsə, kommunizm ki tərəfsə, ateizm ki tərəfsə kitnə isqalat hə risalə-i nur mə inşallah muqni mantıq